Dear students, welcome to the classes of RayAcademy. And we are studying accounting for partnership firms, and the chapter is on goodwill, nature and valuation, and the concept is capitalization of super profit. And the question is, it is a big question, and there are four ways of valuation of goodwill. Everything we will be studying here. From the following information, calculate value of a goodwill of the firm. First one, at 3 years purchase of average profit. Pure question padho. Or last line de rakha hai, assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investments is rupees 7 lakhs. Whereas partners capital is 6 lakhs and outsiders liability is 1 lakh. Hence the capital employed will be 6 lakhs. Now, इसमें सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में डिटेल्स में तो हम लोग क्या करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्ट वन पार्ट बोलता है आर 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट हियर फर्स्ट पार्ट में गुडविल एट That is average profit into years purchase. Years purchase में 3 साल multiply करेंगे, it will be 3 years purchase and average profit निकालेंगे. तीन में दे रखा है adjustment B part में 3 साल का profit. तो 3 साल का profit को लिखेंगे total profit by total years into years purchase. That is equal to 3 साल का जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख 1 लाख 1,60,000 ये 3 साल का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का ऑर्डर में दे रखा है 3 साल का ऑर्डर में दे रखा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा और माइनस डी पार्ट Remuneration of rupees 1 lakh to partners is to be taken as a charge against profit. 1 lakh rupee remuneration, 3 saal ke liye 3 lakh ho gaya. 1 lakh rupee per year, to 3 lakh ke liye 3 lakhs ke liye 1 lakh karke 3 saal ke liye 3 lakh hoga. Whole divided by total years 3 into 3 years purchase. That is equal to 80,000 into 3. जो कि गुडविल अगर वैल्यूएशन करेंगे तो आएगा 2,40,000 अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट है देन सेकंड पार्ट आर 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो लिखो सेकंड पार्ट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आर 3 इयर्स परचेज तो सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट को खोलेंगे ये सुपर प्रॉफिट इज इसका फार्मूला डालो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला है ऊपर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दिस इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज ये 3 इयर्स परचेज होगा दैट इज एवरेज प्रॉफिट ये ठीक है ये नॉर्मल प्रॉफिट को अगेन अगर हम एनालाइज करेंगे ये कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ दे रखा है ना अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ाए इट इज इन द सी पार्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% होल इनटू इयर्स परचेज इज 3 इयर्स दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ पे निकाला है देखो दिस वन इज द एवरेज प्रॉफिट उसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया एवरेज प्रॉफिट आ गया और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था दोनों पार्टनर का कैपिटल 6 लाख दे रखा है और आज टोटल एसेट 7 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 1 लाख टोटल एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करो या जो दे रखा है 6 लाख उसको लो 10% दोनों पार्टनर के कैपिटल ये सेम थिंग है तो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट 10% इंटू ईयर्स परचेज That is again average profit is rupees 80,000 or normal profit is 60,000 6 lakh ka 10% into 3 years purchase तो 20,000 आएगा super profit आ गया 20,000 into 3 years purchase is equal to 60,000 is the value for goodwill under super profit method
देन थर्ड मेथड बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ अ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें तो थर्ड मेथड में आएगा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सुपर प्रॉफिट मेथड. दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ रिटर्न को रिवर्स कर देंगे. तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट. दैट इज इक्वल टू ये नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. देन हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऊपर वाले फॉर्मूले को अमाउंट को रिपीट कर दिया. 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स 3 लाख माइनस करना है, हर साल 1-1 लाख, 3 साल के लिए 3 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, दोनों पार्टनर के कैपिटल का टोटलिंग या एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और नॉर्मल रिटर्न इज 10% इनटू 100/10 कर देंगे. रेट ऑफ रिटर्न को अगर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज सुपर प्रॉफिट विल बी कैपिटलाइज्ड. दिस इज सुपर प्रॉफिट एंड रिवर्स करने से ये हो जाएगा, कैपिटलाइज होने के बाद गुडविल का वैल्यू निकलेगा. तो इसको कैलकुलेट करो, इट इज 80,000 माइनस 60,000 इंटू 100/10, दैट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100/10, और गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इट इज ₹2, ये 2 लाख रुपए बन जाएगा. और हमने क्या करा ना, जो सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 आया वो 10% था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको उल्टा कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया 100/10 करके, दैट इज 2 लाख. हेंस गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज ₹2 लाख. देन द लास्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो फोर्थ में हम क्या करेंगे, विल बी फाइंडिंग इन द फोर्थ मेथड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. That is average profit into reverse of rate of return. Average profit को rate of return को reverse कर देंगे तो it will be capitalized. This is average profit will be capitalized. यहाँ पे हमने क्या करा था, super profit को capitalize कर रहा था, यहाँ पे average profit को capitalize कर देंगे. Now 3 साल का profit दे रखा है minus 3 lakhs whole divided by 3, that is equal to average profit into 100/10. This is normal rate of return को reverse कर देंगे. Average profit को हमने capitalization rate को reverse करके multiply करने से हमारा normal rate of return को हमारा goodwill निकलेगा. Then this is 80,000 into 100/10, जो कि हमारा कैपिटलाइज कर दिया हमने एवरेज प्रॉफिट को, एंड द आंसर विल बी ₹8 लाख. दिस इज ऑल अबाउट, दिस वाज द फोर्थ मेथड. तो गुडविल हम चारों मेथड में हमने निकाला, तो पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा. हमने अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में निकाला गुडविल, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में निकाला, देन सुपर प्रॉफिट में निकाला, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक ये अजीब सा चीजें था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी वो एवरेज प्रॉफिट को उल्टा करके क्या रेट ऑफ रिटर्न में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न. तो दिस इज कैपिटलाइज्ड, तो 100/10 कर देंगे तो हमारा 8 लाख होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल. तो अगर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करेंगे, सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो उसको रेट ऑफ रिटर्न को आप रिवर्स करके मल्टीप्लाई करोगे, और हमेशा हर टाइम क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ोगे. चैप्टर शुरू करने से पहले टीएस ग्रोवल साहब के बुक के बिगनिंग में जितने थ्योरीज दे रखा है, जितने इलस्ट्रेशन दे रखा है, अच्छी तरह करोगे और सारे एक्सरसाइज एक एक करके करोगे बिना देखे. जब जरूरत पड़ेगा तो वीडियोज का हेल्प लो और एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाओ. Once you will be reaching at the end, दुनिया के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, बोर्ड में 100% मार्क आएंगे. आप कोई भी कोर्स करते हो, CA, CS, ICW कुछ भी करते हो, तो आपको पूरे नंबर मिलेगा. और हमेशा
एज ए टीचर मैं आपको इतने समझा सकता हूँ कि थ्योरी बेस अपना क्लियर करो, ऑलवेज रीड स्टोरीज एंड अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के स्टोरीज हर चैप्टर के बढ़िया करके पढ़ते रहो, आपको अच्छी तरह सब आएगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आगे के लिए आपको इससे बढ़िया क्वालिटीज वीडियो मिलता रहेगा।